जीशीपुरी यातायात पुलिस ने अभियान के तहत नाबालिग बच्चों पर चालानी कार्रवाई की है, साथ ही पिता को भी जिम्मेदार ठहराते हुए बच्चे सहित पिता पर भी चालानी कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि विशेष अभियान नाबालिग बच्चों को नजर में रखते हुए यह कार्रवाई आज शहर में की जा रही है। वहीं नाबालिग बच्चे जो कि स्कूटर और बाइक चलाते हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जो माता पिता अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए दे देते हैं वही हेलमेट का भी उपयोग नहीं करते हैं, जिसके तहत आज यातायात पुलिस सड़कों पर निकली और नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, वहीं 1000 का चालान काटा गया। साथ ही यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने बताया कि नाबालिग बच्चे जो कि वाहन चलाते हैं और उनके माता पिता उनकी सुरक्षा न देखते हुए उन्हें वाहन दे देते हैं, इसलिए उन्हें भी जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ये हमारा एक अभियान है नाबालिग बच्चों के खिलाफ, इसमें माता पिता के द्वारा अपने 15, 16, 14 साल के बच्चों को भी बाइक और स्कूटर दिए जा रहे हैं। उसमें ये भी बात देखने आई कि ये नाबालिग तो है ही है और ऊपर से हेलमेट भी नहीं लगाए हुए हैं, तो ऐसी ही अगर चलेगा तो एक्सीडेंट को नाता है। और बच्चे तो हैं, भगवान का रूप होते हैं, लेकिन माता पिता को इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। और आज मैं अभी चालानी कार्रवाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 4-5 बच्चे नाबालिग पकड़े हुए हैं, इसमें मैं इनके पिता को भी उसमें जिम्मेदारी ठहराती हूँ, उन पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर कितने का चालान किया जाएगा? अभी लगभग 1-1000 रुपये के जुर्माने इनमें किए जाएंगे।